हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप भी दांतों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, अगर आपके भी दांत में दर्द होता है, दांतों में सिहरन होती है, दांतों में झंझनाहट होता है, या दांतों में ठंडा गर्म लगने की दिक्कत है, या आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, मसूड़े से खून आता है, दांतों से खून आता है, या आपके मुंह से दुर्गंध आती है, मुंह से बदबू आने की समस्या है, या आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हैं और आप अपने पीले दांतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी अपने दांतों को सफेद करना चाहते हैं, या आपको दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ, यानी कि एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक दंत मंजन बताने वाली हूँ, जिसका प्रयोग आप करेंगे फ्रेंड्स तो आपको दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये राजीव दीक्षित जी द्वारा बताया हुआ भी नुस्खा है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस इफेक्टिव आयुर्वेदिक दंत मंजन को या आयुर्वेदिक नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे आपको तीन चीजों की जरूरत है। फर्स्ट इनग्रीडियंट में आपको हल्दी का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, हल्दी जो है एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है, और यह एक एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करता है, जिससे आपके दांतों में या मसूड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, या आपके दांतों से खून निकलता हो, मसूड़े से खून निकलता हो, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में हल्दी जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपको हल्दी का प्रयोग करना है फर्स्ट इंग्रेडिएंट में। सेकेंड इंग्रेडिएंट में आपको नमक का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, नमक भी हमारे दांतों के लिए काफी अच्छा होता है, एक कैविटी को दूर करता है और एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है, जिससे आपके दांतों पे अगर पीलापन की समस्या हो गई है तो उसको छुटकारा दिलाने में काफी हेल्प करता है। और वैसे भी ये जो नमक है सभी टूथपेस्ट में और मंजन में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नमक का प्रयोग करना है। थर्ड इंग्रेडिएंट में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, सरसों के तेल तो हम खाने में यूज करते हैं, इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जो रेमेडी हम तैयार करेंगे, यहाँ पे जो नुस्खा तैयार करेंगे, उसके लिए हमें सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे तैयार कैसे करना है। आपको यहाँ पे आवश्यकता अनुसार हल्दी ले लेना है, यानी कि आपको एक चम्मच हल्दी ले लेना है, और यहाँ पे बिल्कुल एक चुटकी के करीब में आपको नमक लेना है, ज्यादा नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे आपको एक चम्मच सरसों का तेल ले लेना है, मतलब उतना ही सरसों का तेल लेना है जितना भी गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए। फिर इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपको इसे अपने दांतों पे अच्छे तरीके से लगा लेना है, और जिस साइड दांत दर्द ज्यादा कर रहा है उस साइड आपको इस पेस्ट को ज्यादा लगाना है। और एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कोशिश करना है कि इस पेस्ट को आपको मसूड़े पे नहीं लगाना है, क्योंकि नमक जो है मसूड़े पे लगता है तो ज्यादा नुकसान होता है, इससे आपके रेडनेस होने की समस्या हो सकती है, मसूड़े लाल हो सकते हैं, इसलिए दांतों पे लगाना है। और अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपको 5 मिनट तक रखना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है फ्रेंड्स। 5 मिनट के बाद आपको हल्के हल्के हाथों से उंगली के सहायता से आपको मंजन की तरह दांतों पे अच्छे से कर लेना है। इसमें हमने नमक का प्रयोग किया हुआ है, हल्दी का प्रयोग किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपके दांतों से खून आ रहा होगा, मसूड़े से खून आ रहा होगा, तो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। या किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के वजह से अगर आपके मसूड़े से खून आ रहा होगा या दांत से, तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है हल्दी। और दांतों पे जो पीलापन की समस्या होती है या गंदगी जो है चिपकी हुई रहती है या कैविटी जमा हुई रहती है, तो आप जो अच्छे तरीके से इसे मलेंगे ना, तो जो नमक है वो स्क्रब की तरह काम करता है, दर्दरा होता है, जिसके वजह से आपकी जो पीलापन की समस्या है दांतों की बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ये इतना इफेक्टिव रेमेडी है, इतना इफेक्टिव दंत मंजन है फ्रेंड्स, कि अगर आप इसका प्रयोग वीक में कम से कम 3 बार भी करते हैं, तो आपके दांतों से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी 100% खत्म हो जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और इसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने खुद ही बताया था कि अगर आप टूथपेस्ट
पेस्ट की जगह आप इस दंत मंजन से अपने दांतों की सफाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दांतों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके दांत में कभी दर्द नहीं होता है, दांतों में झंझनाहट नहीं होती है, मसूड़ों से खून नहीं निकलता है, मतलब सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही आपको पीले दांतों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आप इस तरीके से इस दंत मंजन को बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके दांतों के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक नुस्खे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।